कि डॉक्टर साहब आपने कितने बच्चे पैदा किए होंगे, माताओं के कितने घर से बच्चे लिए होंगे, ऑपरेशन भी किया होगा, पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल डॉक्टर, आपको पता बच्चा क्यों रोया? कहते कुछ नहीं। मैं कहा नाड़ू काट देते हैं उसके, तो नाड़ू में तो कोई सेंस है ही नहीं, उसको नहीं कोई महसूस, जो मर्जी काट दो उसका, क्योंकि उसकी सुर्ख तो अभी यहाँ आई है। वो जब हमें सीधा करते एकदम, तो हम जहाँ थे उल्टे यहाँ थे, वहाँ से हम जब यहाँ आ गए तो घबरा गया मैं, अपने केंद्र से अलग हो गया मैं, तब जो है बात समझ गए। अब जब नाड़ू काट दिया तो मेरा सिस्टम जो खाने का था वो डीलिंक हो गया। अब कहाँ से मिला? जैसे ही नाड़ू काटा माँ के दूध थनों में आ गया। आया कि नहीं आया? इससे क्या साबित हुआ कि कोई कुदरत की ताकत है जिसको ये पता है कि अब बच्चे को दूध चाहिए, और माँ के स्तनों में दूध बहने लग गया। एक बात होगी, हम आए, हमारा इंतजाम कुदरत ने, उस मालिक ने, उस खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने, तो मर्जी नाम दे दो, उसने माँ के कर्म में भी हमारा इंतजाम किया हुआ था। और जैसे ही बाहर आए और नाड़ू काट दिया गया तो वो भी इंतजाम कर दिया, ले बच्चा तो दूध पी, अब तुम्हें अंदर ऐसे नाड़ी से नहीं मिलेगा। मेरी बात को पकड़ा आप लोगों ने? मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कहीं बताना चाहता हूँ, कुछ भेद देना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और कौन है वो हस्ती जो तुम्हारी देखभाल कर रही है। चलो हम बड़े हुए, हम बच्चे हुए, और कैसे चले फिर हाथ पांव ऐसे ऐसे मारे बच्चे ने, क्या मारता है ना बच्चा, जब माँ रख देती है ना, लेता देती तो वो हाथ पांव मारता है, तांगे भी मारता, हाथ भी मारता ऐसे ऐसे, तो माँ बड़ा खुश होती है, मेरा बच्चा शीशे मारे, वो क्यों हाथ पैर मारता है? सोचो, वो हाथ पांव इसलिए मारता है कि वो जो सुर्त यहाँ है, जो हस्ती हस्ती जो जहाँ बैठी है, वो शरीर के अंदर में नीचे तक आ जाए, ताकि मैं हाथ हिला सकूं, मेरे पांव भी चलने लगे और मैं खड़ा भी हो जाऊं। तभी वो क्या नहीं चलता, वो वैसे तो नहीं चलता। अगर वो लेटा ही है, सुस्त है, रोया ही नहीं, तो वो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। वो उसको कुदरत ने अंदर से बताया हुआ कि अब तू हाथ पांव मार और फिर बैठ, फिर पांव जमीन पर रख, फिर चल, फिर माँ की उंगली पकड़, फिर चल, वो चलने लग जाता है। समझ गया? जैसे भी रोटी खाने लगेगा, फिर क्या होता है, माँ का दूध सूख जाता है। जब दांत में थे तो दूध दिया, जब दांत मिले तो रोटी खानी है। बात समझ गए मेरी? अब हम बड़े हो गए। मैं जैसे मैंने मन की किताब पढ़ी, मैं दो बता रहा हूँ। मन कहाँ है? मेरे शरीर में है। मन कहाँ? मेरे शरीर में है। तो मन ही इस शरीर के अंदर सारा चल रहा है, मेरी बात समझे? तो फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा ताकि तुम भूल ना जाओ। मन ही हमारे शरीर में अकेला नहीं है, मन के साथ एक हस्ती है, हस्ती। जब अगर वो हस्ती नहीं है तो तुम्हारे को कुछ भी पता नहीं लगेगा कि शरीर में क्या हो गया है। पता लगेगा? पैर कट गया, तुम्हारी हस्ती बाहर नहीं है, सुन्न है, पैर सुन्न है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि जहाँ चोट लगी है, क्योंकि वहाँ सेंस है, वहाँ सेंस, सेंस जानते हो ना, वहाँ कॉन्शियसनेस है, वहाँ चेतना है, वो चेतना तुम्हें बता देती है कि भाई चोट लगी, यहाँ लगी, एकदम यहाँ पहुँच जाए। समझ गए? अब हम बड़े हो गए, हमारा, हम खाते भी हैं,
पीते भी हैं, देखते भी हैं, चलते भी हैं, सुनते भी हैं। पांच कर्म इंद्रियां भी हमारी काम कर रही हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां भी हमारी काम कर रही हैं। हमारे अंदर मन भी काम कर रहा है, बुद्ध भी काम कर रही है, चित्त भी ठहरा हुआ है और हम भी हैं। 14 चीजें हैं ना। हम खाते हैं, पीते भी हैं। कोई इंसान मुझे ये बताए कि खाने के बाद वो रोटी खुद पचाता है। रोटी पचाने में आपका कोई योगदान है? रोटी पचाने के लिए तुम उल्टे सीधे होते हो, तुम पानी पीते हो, पानी या दूध पीते हो या लस्सी पीते हो, वो सफेद रंग में पेशाब बनकर बाहर आ जाता है। तुम्हें पता है कौन कर रहा है? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है, तुम्हारा जो फेफड़े हैं वो सांस ले रहे हैं, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारा लिवर भोजन को पका रहा है और तुम्हारे अंदर अनेक तरह के एसिड पैदा हो रहे हैं जो कि उस भोजन को ऐसे ऐसे मथन करके उसमें से मल एक तरफ कर रहे हैं, खून एक तरफ कर रहे हैं, मज्जा एक तरफ कर रहे हैं, तुम्हारे शरीर का पालन पोषण हो रहा है। तुम्हें कोई पता है? किसी को कोई माई का लाल बताए कि मुझे पता है क्या हो रहा है? किसी को कुछ भी पता नहीं है। मेरी बात को पकड़ते जाना। हमारा दिल धड़कता है, हमें नहीं पता। हमारी नबल चलती है, हमें नहीं पता। हमारा भोजन पच रहा है, गंदगी बाहर जा रही है और कुदरत ने सारी चीज के लिए रास्ते अलग अलग रखे। मल के लिए चट्टी का रास्ता रख दिया, पेशाब के लिए इंद्री बना दी और नाक की गंदगी के लिए नाक रख दिया, बलगम निकलने के लिए मुंह बना दिया। आँख का आंसू आँख से ही आएगा, कान की मैल कान से निकलेगी। ऐसा ही है ना? कोई कान की मैल आँख से तो नहीं निकलती? कभी कान से आँख का आंसू नहीं आएगा। सिस्टम को मैंने स्टडी किया, इस सिस्टम को मैंने स्टडी किया कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, ये कौन है वो करने वाला, ये कैसे हो रहा है, कौन सी हस्ती है जो काम कर रही है। तो धीरे धीरे मैं पहुंचा कहाँ पहुंचा? सतगुरु बाबा फकीर जी ने जो कहा कि अपने मन की किताब पढ़ना, तो मन की किताब पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजों का अंत हो गया, अंत हो गया कि ये कोई हस्ती काम कर रही है। तो वो हस्ती क्या है? पहली बात, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। तुम्हारे पाँव में चोट लग गई, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, क्या कहते हो? डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लग गई। तुम और हो, तुम्हारा पैर और है, तुम्हारे पेट में दर्द हुई, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द होती है, क्या हुआ? तुम्हारा पेट और है, तुम और हो। बात को पकड़ते जाना। फिर कभी कभी ऐसे होता है तुम्हारे आँख में कुछ पड़ जाता है, रक्षा मेरी आँख में कुछ पड़ गया। तो तुम्हारी आँख तो नहीं है ना? फिर मेरी आँख है, तुम और हो, आँख और है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात चल रही है तो तुम कहते हो मेरा मन नहीं मानता, कहते हो ना आपकी बात को मेरा मन नहीं मानता। तो इसका मतलब ये है कि तुम मन नहीं हो, तुम और हो, मन और है। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है, तुम धीरे 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 अपने आप को चली, ओहो भाई मैं तो ठीक, तू तो ठीक कह रहा है लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती। फिर कहते हो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में तुम नहीं हो, मन में तुम नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तो तुम कौन हो? क्या काम है सत्संग में आए हो? विचार करो। समझ कर लिया मैंने, ना तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, ना तुम आत्मा हो, तो फिर तुम कौन हो? तुम उस माल के कुल की अंश हो, तुम उस माल के कुल की अंश हो, क्योंकि मैं और तुम
उस माल के कुल की अंश है। उस मालिक ने ही हमारा प्रबंध माँ के गर्भ में किया हुआ था और उस मालिक ने ही हमारे अंदर का प्रबंध किया हुआ है और उस मालिक ने ही हमारा बाल का प्रबंध भी किया हुआ है। तो मैं कहाँ पहुंचा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो वो क्या है, क्यों, अब सुनना ध्यान से। शास्त्र कहते हैं, महापुरुषों के मुख से मैंने सुना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। ब्रह्मंड को आप देख रहे हो, आकाश है, धरती माँ है, सूर्य है, चांद है, हवा चलती है, बारिश होती है ना, सब कुछ नजर आ रहा है। ये ब्रह्मंड है, इसमें पांच तत्व है। पांच तत्व किन चीजों से बना जाए, ब्रह्मंड पांच तत्वों से बना हुआ है। जमीन हमारी, हमारा स्थान है, आकाश हमारा सिर है, इसके बीच में क्या है, जल भी है, इसके बीच में हवा भी चलती है, इसके अंदर आग भी है और इसके अंदर वायु भी है और इसके अंदर शब्द भी है। हम पांच तत्व का है बने हुए, हमारा शरीर पांच तत्व का बना है, मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। पांच तत्व का आपका शरीर है, पांच तत्व का मेरा शरीर है, पांच तत्व का ब्रह्मांड है और पांच तत्व के ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, जैसे जल में मछली रहती है। पकड़ रहे हो मेरी बात को, इस ब्रह्मांड में हम क्या हैं, हम मछली हैं और वो मछली जो है पानी में रहती है, उसके लिए पानी ही ब्रह्मांड है। और आपको हरा पानी वो कब पीती है, पानी को मछली दरिया में है, सागर में है, चाहे तालाब में है, वो पानी मुंह से नहीं पीती। पानी कैसे पीती है, वो उल्टी हो जाती है, ऐसे चलती है, ऐसे उल्टी होती है, यहाँ उसके बल्ब लगा हुआ है नीचे, वो खुल जाता है, पानी उसके अंदर चला जाता है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, पानी के सागर में रहती हुई मछली अपने प्यास को उल्टा होकर बुझाती है। हम इस ब्रह्मांड रूपी सागर में, हम इस ब्रह्मांड रूपी सागर में इंसान के रूप में, मछली के रूप में हैं, तो हमें पानी कैसे मिलेगा पीने को, हमें भी उल्टा होना पड़ेगा। क्या मतलब इसका, उल्टा होने का मतलब नहीं है कि सिर्फ नीचे कर दो, टांगे ऊपर कर दो, नहीं नहीं, तुमने अपने मन को पहले देखना है, तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर क्या खेल खेल रहा है। वास्तव में हम इस मन की दुनिया जो बनती है उसमें खोए हुए हैं। मन ने हमारे को बांटा हुआ है, मन ने हमें टुकड़े टुकड़े किया हुआ है, कि किन चीजों में टुकड़े किया हुआ है, कभी बाप बना दिया, कभी बेटा बना दिया, कभी चाचा बना दिया, कभी ताया बना दिया, कभी मामा बना दिया और कभी पति बना दिया, है ना, बटे हुए हम। और फिर कब धर्म में हम कुछ बने हुए, फिर जाति में हम कुछ बने हुए हैं कि नहीं। तो वास्तव में तो हम कुछ भी नहीं, हम तो इंसान के रूप में पैदा हुए लेकिन हम बच गए। तो हमें उल्टा होना पड़ेगा, कैसे, यहाँ से इस शरीर में जो वो चेतना ऐसे नीचे चली गई हुई है, उसको गुरु की दया से, उसको गुरु के द्वारा दिए गए नाम के स्मरण से और गुरु का ध्यान करते हुए उसको शरीर से खींचकर पहले जहाँ लाना है, जहाँ ये काम वो बैठकर मन के साथ तुम्हारी दुनिया बना रही है। अगर तुम बेहोश हो जाओ, कोई आदमी बेहोश हो जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मास्टर मोहनलाल जी
और नारायण दास जी यहाँ प्राण का होता था बैठे थे यहाँ, तो हम तीन चार जने बैठे थे। तो महाराज जी ने फरमाया बच्चों जिंदगी और है हस्ती और है, हमारी जिंदगी और है हमारी हस्ती और है, अगर हस्ती अंदर नहीं है तो जिंदगी मिट्टी है कुछ भी नहीं। उन्होंने एक मिसाल दी तब, उस वक्त की मिसाल जो दी वो मैं आपको सुनाता हूँ। हजूर फरमाते के एक नौजवान सड़क पर जा रहा है, अपनी मस्ती में जा रहा है, किसी ख्याल में जा रहा है, पीछे से वो गाड़ी आती है बड़े जोर से और उसके ऊपर से निकल जाती है, उसकी टांग को बिल्कुल चूर चूर कर जाती है और वो सड़क पर लेटा हुआ तड़प रहा है, खून बह रहा है, हाय हाय कर रहा है। लोग दौड़े आते हैं उसको उठाते हैं, उसकी अभी होश है तो वो कहते मेरे पिता का ये नंबर है उनको बुला दो, तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने देखा वो इसकी टांग तो बिल्कुल नकम्मी हो गई है और उनके माता पिता को कहता अगर तुमने बच्चे की जान बचानी है, अगर तुम चाहते तुम्हारा बच्चा जिंदा रह जाए तो टांग काटनी पड़ेगी, तो अगर टांग नहीं काटेंगे तो बच्चे की डेथ हो सकती क्योंकि खून बहुत ज़्यादा। तो माता पिता तो कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चा मर जाए, उन्होंने एकदम दस्तखत कर दिए और डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन दिया। जैसे इंजेक्शन दिया वो जो हाय हाय कर रहा था, चिल्ला रहा था, याद कर रहा था सबको, वो चिल्लाना बंद कर दिया और डॉक्टर ने उनकी क्या किया टांग को काट दिया। अब सवाल पैदा होता है कि वो जो इंजेक्शन दिया वो क्या था। वो इंजेक्शन ऐसा है कि वो हमारे शरीर की जो सेंसेस हैं जो हम महसूस करते हैं उन सेंसेस को साइलेंट कर देता है, सुन कर देता है। तो जब शरीर सुन हो जाता है तो फिर आपको कुछ भी कर दे कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस दोबारा वो बता देते हैं 12 घंटे के बाद होश आएगी या 24 घंटे के बाद होश आएगी ऐसा बताते हैं ना, तो फिर वो धीरे धीरे दोबारा होश उसको आती है और पता लगता है कि मेरी टांग का मैं ये क्या कह रहा हूँ। अब ये जो हस्ती है जिसको डॉक्टरों ने इंजेक्शन से वहाँ वापस भेज दिया, संत ये नहीं करते। अभी आपने सुना बताया महापुरुषों ने कि सर्जल कमल है तो सुन है महा सुन है भवन उपा सात लोग मकाम लोग अलग लोग बड़ा है ना, संतों ने बताया है। लेकिन क्या हर इंसान आप में जितने लोग बैठे हैं क्या तुम लोग पांच नाम का स्मरण कर सकते हो? मैंने पूछा, मैंने उन लोगों से पूछा जिनको 10-10, 20-20-30 साल हो गए हैं, वो कहते हैं महाराज मन नहीं कब होता, मन नहीं चैन लेने देता, स्मरण क्या करें मन दौड़ जाता है। अब मन तो दौड़ेगा, वो नाम तो इसलिए दिया गया कि मन को पकड़ो, मगर तुम तो वो सकल यूज ही नहीं करते, वो रस्सी बांधते ही नहीं हो, तुम्हारा मन तो बाहर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें गुरु की वाणी से प्यार नहीं है, तुमने गुरु की हस्ती को समझा नहीं है, तुम लापरवाही करते हो। तुमने एक विश्वास कर लिया कि गुरु ने नाम दे दिया, अब जब मरेंगे तो गुरु ही ले जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। तो इंसान अगर तुम्हारे सामने आता है तो तुम फिर दोबारा पैदा होगे, जहाँ तुम्हारा अंत मता सोगता, जहाँ तुम्हारा ख्याल जाएगा तुम्हारा जन्म वही होगा। ये गुरबाणी में भी लिखा हुआ है कि जो औरत को याद करेगा उसका ये हाल होगा, जो बच्चों को याद करेगा उसका ये हाल होगा, जो धन को याद करेगा उसका ये हाल होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप सत्संग में आए हो तो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, मुझे क्या विश्वास हुआ इस मन की किताब पढ़ने से,
मुझे क्या मिला? मुझे ये मिला कि ओ पगले, तू जब तेरा सारा इंतजाम वो मार के कुल कर रहा है, तेरा उसमें कोई दखल नहीं, तू कुछ भी नहीं वहां कर रहा, जहां तक के तुम्हें तेरा सांस पर भी कंट्रोल नहीं है। कोई आदमी बताए कि मैं सांस लेता हूं, कौन सा कौन कहेगा सांस लेता हूं? मैं सांस लेता हूं, तुम्हें तो सांस का भी पता नहीं है। तो इसीलिए दाता दयाल जी ने परम दयाल जी महाराज को, क्योंकि परम दयाल जी महाराज ने उसे बहुत प्यार करते थे और प्यार ऐसे करते थे कि वो दाता दयाल को लाहौर में समझते थे या धाम में समझते थे। तो दाता दयाल उनको लिखते थे, कीरा गुरु को तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। तो परम दयाल जी महाराज ने सत्संग में हमें बताया कि दाता जी लिखते थे, मुझे भी पता लगता था, और जब मुझे सत्संगियों ने कहा कि मैं उनके अंदर प्रकट होता हूँ, उनकी समाधि में जाता हूँ, उनको मरते समय ले जाता हूँ, तो मैंने सोचा मैं तो कहीं जाता नहीं, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो घर यहाँ बैठा हूँ। तो फिर मुझे ये यकीन हो गया कि जो मेरे अंदर आता है गुरु का रूप, जब मेरे अंदर जब राम आता था कभी, जब मैं कृष्ण से प्यार करता था कभी, वो भी सब कुछ भी नहीं था। तो फिर कहाँ गया? मन की किताब वहाँ खत्म हो गई। तो फिर क्या मिला? ना कुछ किया, ना कर सका, ना कर नहीं जो बिछड़ी। मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं किस बात की चिंता करूं, अब मैं किस बात की योजना बनाऊं? जिसने अंदर इंतजाम किया उसने बाहर भी किया हुआ है। और मैं अपनी जिंदगी को देखा, अब देखा, किताब लिख दी, क्या लिखा? मैंने जिंदगी में खुद कुछ भी नहीं दिया, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, वो जो कुछ हुआ अपने आप होता गया। मैं उसकी आपको एक मिसाल दे देता हूँ कैसे हो रहा है, जो मैंने नहीं किया। ध्यान से सुनना, मैं पटियाला, मुझे बुलाया गया, पटियाला मुझे भेजा गया कि तुम वहाँ जाकर उस आदमी को मिलो, बेटा तेरी नौकरी वहाँ है। मैं वहाँ चला गया, उन्होंने मुझे जिन्होंने भेजा उन्होंने मुझे टेलीफोन नंबर दे दिया था कि अगर आपकी बस लेट हो जाए तो तुमने इस नंबर पर टेलीफोन कर देना, कहीं वो दफ्तर बंद करके चले न जाए। तो मेरी बस वहाँ 5 बजे पहुँची, तो मैंने एकदम पहले टेलीफोन किया उनको, कहते बच्चा आ जा, हम तो तेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत बड़े अफीसर थे। चलो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। तो उन्होंने कहा आप कल नापा जाएंगे तो वहाँ आपने मेडिकल करवा के आना, क्योंकि पटियाला का उस वक्त CMO नापा में था। तो मेरे जेब में उस वक्त 20 रुपये थे, मुझे नहीं पता था कितने पैसे चाहिए, कितने नहीं चाहिए, कॉलेज से नया नया निकला हुआ था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने मुझे लेटर दे दिया, मेरा कोई दोस्त था, मैं रात उसके पास काटी और सुबह पहली बस पकड़ी में नापा पहुँचा। मैं कुछ खाया भी नहीं क्योंकि मेडिकल होना था, मैंने कहा मेडिकल होना, मैं तो चाय पी ली या कुछ खा लिया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं वहाँ चला गया और जब हॉस्पिटल खुला तो मैंने उनको दिखाया कि जी मेरा मेडिकल है। तो उन्होंने मेरे को कहा 16 रुपये जमा करवा, 12 रुपये मेरे टिकट के लगे थे, 16 रुपये मैंने जमा करवा दिए। उसके बाद अब जो भी देखे, जो भी टेस्ट करने वाला देखे कि पोस्ट बड़ी अच्छी मिली है, तो साहब आपको पोस्ट बड़ी अच्छी मिली है, हमारी भी कुछ सेवा करो। तो सेवा करने को हम तैयार थे, 100 रुपया उसको दे दिया, 100 रुपया उसको दे दिया, 800 उसको दे दिए। तो वाह 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 जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और साथ ही जेब खाली बात समझे, मैनू भी पता, मैंने गल मैंने पता ही नहीं, पहला मेडिकल हो रहा
चलो 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए, तो अब तो प्यास भी लगी कि मेडिकल तो हो गया, अब क्या खाऊं, कुछ नहीं खा सकता, पैसे नहीं, तो नलका लगा था वहाँ पानी पिया और पत्थर का बना हुआ था वो बेंच, वहाँ बैठ गया। तो क्लर्क आया, कहता साहब तब सब चले गए, वो तो अब लंच पर गए, 2:30 बजे आए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बैठे इंतजार करते, इंतजार क्या करना, जब मन वेला हो गया तो गुरुए हवाले कर दियो, बैठे शिफ्ट कर रहे हैं अपने बाबे फकीर जी, कैसे क्या करते हैं, काम भेज दिया, सब कुछ हो गया। तो डॉक्टर साहब 2:30 बजे आए, तो उगला का है क्योंकि उसको जो चपरासी था उसको भी मैंने 8 घंटे दे दिए थे। कहता साहब डॉक्टर साहब आ गए, मैं अंदर चला गया, उन्होंने भी मुझे मुबारक दी। सच्ची बात उनके साथ और मेरी क्या बात हुई मैं वो नहीं बताऊंगा, वो अच्छी नहीं थी। अच्छा, उन्होंने अपनी वो ग्लास से मेरा सर्टिफिकेट निकाला, मुझे दे दिया, मैंने उसको मस्तक से लगाया और अपनी जेब में डालकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। अब सोचा भूख भी लगी है, भूखे वक्त में पीछे भूख भी लगी है, तो बहना अगस्त का महीना कहाँ जाऊँगा, बजारी कैसे पहुँचना। तो अंदर ख्याल आया यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ पास एक गाड़ी जाती है, उसमें बैठ जाऊँगा, अगर पकड़ा गया तो उसको बता दूंगा भाई मेरा ये हाल है, आ देगा मेरे को, जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तेन पैसे जरूर दे दूंगा। समझे, लेकिन मैंने भी नहीं फड़ना सी, मैं चल पाया, ओ बाबा फकीर की याद से चल पाया, तेरी मौजा वाह मौजा लग गई, फिर सेकेंड क्लास सेकेंड गजेटेड क्लास कोच मिल गई, तो मैं शिफ्ट कर रहा था स्टेशन की तरफ चल रहा। अभी 100 मीटर नहीं गया हुआ, एक नौजवान लड़का साइकिल पर आया। ये बात आप ध्यान से सुनना, इसलिए मैं मान गया जिंदगी में कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, करे करावे अपने आप। तो आया, उसने साइकिल रुका, कहता अंकल जी मेरे साइकिल पर बैठो, आपने स्टेशन जाना है ना। मैं कहा हाँ बेटा स्टेशन जाना है। तो बस उसने मैं बैठ गया, गर्मी थी तो मैंने तो बड़ा हवा लगी, साइकिल के पीछे पीछे हवा लगी, बड़ी चैन आई। तो मैं सोचता कहता बड़ा अच्छा हो गया, ये बच्चा आ गया मुझे बचा देगा, गर्मी भी बड़ी थी भूख भी लगी थी। असी स्टेशन पहुँचे और उस लड़के ने साइकिल खड़ा किया और मुझे स्टेशन को ऊपर ले जाकर प्लेटफॉर्म पर ले गया और वहाँ बड़ी चाय की दुकान थी, वहाँ बैठा दिया, उस जगह मुझे बैठा दिया। मैंने कहा चलो अब यहाँ बैठ गए हैं बड़ी अच्छी हुई। वो चला गया, कहाँ गया मुझे नहीं पता, सुनते रहना। उसी वक्त उसके 10 मिनट के बाद एक बड़ा ग्लास चाय का, एक प्लेट बिस्कुट की मेरे टेबल के आगे लेकर रखा, चाय वाले। मैंने कहा बेटा बस वो चला गया रख के, नहीं बेटा बस बस, बेटा मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, मैंने सोचा मैं खा लिया, इन्होंने तो मैंने फा लेना, पैसे थे बाबू की तो चाय कितना पी ली। वो मुझे पता क्या कहता, तो ध्यान से सुनो, कहता तुम नहीं ऑर्डर देता, वो बाबा जी ऑर्डर दे गए हैं, वो बाबा जी ऑर्डर दे गए हैं। अब मैं खाए बिस्कुट चाय भी पी ली, जैसी चाय खत्म हुई वो लड़का फिर आ गया, वो लड़का फिर आ गया, आके मेरी जेब में नाभा टू पटियाला, उसको नहीं पता कि मैं पटियाले जाना कहाँ जाना, मैं तो दसिया ही नहीं, मेरी जेब में नाभा टू पटियाला टिकट डाल दिया गाड़ी का, और फिर क्या किया, 8 आने भी डाल दिए। मैंने वो 8 आने निकाले, मैंने कहा नहीं बेटा 8 आने नहीं चाहिए, बस मैं पटियाले पहुंच जाना, कहना एक गल नहीं है,
अंकल जी जे पटियाले मीह पैंदा होया फिर तुसी घर कितना जाओगे, रिक्शा नहीं चाहिदा। और सुनने वालों सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, चलो गाड़ी वो चला गया, पैसे पाए उन्हें दम गिनती चला गया, कहाँ गया कहाँ से आया ऊँटो हूँ मैं नहीं जानता। वो चला गया, गाड़ी आई, मैं बैठ गया। अभी पटियाला से 10 मिनट दूर होंगे, इतनी बारिश के पूछ हो रही। जब गाड़ी पटियाला पहुंची तो मूसलाधार बारिश हो रही, सड़कों पर पानी पानी। मैं बाहर आया तो रिक्शे खड़े थे, मैंने रिक्शे वाले को कहा भाई लहर को नहीं चलना है, कहते बाबू जी मीह देखो कितना पै रहा, असी सुखे से चार नहीं लेंगे, एक कब की बात है पता 1963, आप में से बहुत से नौजवान पैदा भी नहीं हुए 1963। आज भी बहुत है सड़का से पानी ज्यादा, तो आज 80-98 लेते हैं। उस रिक्शे वाले ने कहा, और वो 98 मेरी जेब में पहले ही डाल गया है। मैंने वो 98 उसके जेब में थे तो मैं वहां पहुंच गया अपने दोस्त के घर। अब तुम इस विचार इसके ऊपर विचार करो, मैंने ये सारा हाल अपनी किताब में लिखा है और अंत में मैंने लिख दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको दयाल जी महाराज की गति से घोषणा कर रहा हूं, क्यों हुआ वो मेरे सतगुरु पकड़ी बा, नहीं तो मैं बह जाता। कल मैंने आपको सुनाया था रात, जब सतगुरु ने बाह पकड़ ली तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसकी इच्छा के मुताबिक भी रहना नहीं आता। गुरु कहता है ऐ इंसान को अपनी चिंता छोड़ दे, तुम चिंता छोड़ते हो कभी बताओ? तुम्हें बार बार कहता हूं, मैं भी कहता हूं माता चिंता ना कर, वो चिंता मेरे को दे जा, तुम नहीं देते। जहां तुम पैसे देते हो, तुम कपड़े देते हो, मेरे सिर पर पगड़ी रखते हो, मेरे को जैकेट भी पहनाते हो, घड़ियां भी पहनाते हो, तो मुझे अपनी चिंता भी दे जाओ तो कितनी अच्छी बात होगी। मुझे तो पता है कि चिंता का मैंने क्या करना, क्यों चिंता लेता कौन है, चिंता कौन लेता है, मन। तो मन तो मैं समझ गया कि मन है क्या, मेरी बात समझे। तो मेरे सतगुरु ने कृपा कर दी, तो बाबा फकीर सतगुरु जिनके बारे में दादा दयाल जी ने लिखा, तू तो आया नर्द ही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा, तीन ताप से जीव दुखी है निवल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का दा भाई नाम दान दे दानी। ये काम लिखा है, तेरा रूप है अद्भुत अचरज मैंने देखा है, मैंने उस रूप को बहुत प्यार से बहुत क्लोजली देखा है, तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी हुकुम देही, जग कल्याण जगत में आया बन दयाल सनेही। किनका कल्याण हुआ, जिन्होंने उनका अंग पकड़ लिया। अंग क्या, वाणी। अंकिता सतगुरु बाबा की जी कहा करते थे, मेरा अंग ये है शरीर का, ये अंग है मेरे शरीर के, आप 1000 लोग हैं मेरा बाजू पकड़ोगे तो मैं क्या बना जाऊंगा। मेरा अंग क्या है, मेरी वाणी अंग है, जो मैं कहता हूं उस पर चलो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम चिंता छोड़ दो। लो मैं गारंटी देता हूं, अपनी चिंता सारी दे दो, ले लो। मैं पहाड़ से निकलना है, बड़ी गहरी खाद है, वहां बाल का पूरी फेंक देनी है, नाम तुम्हारी चिंता में मेरी चिंता। क्या कहा मैंने, एक शब्द सुना दे आपको, एक शब्द सुना तो दादा जा तुम महाराज का, क्या करना है। भरोसा तेरा है, भरोसा तेरा है, तेरी आसमान
भजन में भरोसा यही है जतन और यही काम मेरा जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। इसको सुनना कैसे करना तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना कैसे करना। ध्यान से सुबह उठते हो जैसे जाग आती है बिस्तर में बैठकर उस मालिक को याद कर लो। मैं तो मरा हुआ था बिस्तर में आपने फिर जीवन दे दिया। ऐ मेरे मालिक इस दिन जो चला है ये मेरा नेकी से गुजरे अच्छे विचारों से गुजरे। मेरे मन से कोई विचार बुरा ना निकले मैं इन आँखों से कोई बुरा ना देखूं मैं इन कानों से कोई बुरा ना सोचूं और इन मुख से मैं कोई बुरा शब्द ना कहूं। ये पहली दफा तुमने उनको याद कर लिया ठीक है बिस्तर में। फिर जमीन पर पैर रखना ये माता है दो ही माता है मैं तो मानता हूँ मैंने किसी तीसरी माता को नहीं माना। एक धरती माता है ये जो इस संसार को हर चीज देती है हीरे मोती सोना चांदी जिस्त जो भी दुनिया का बहुमूल्य पदार्थ है वो इस जमीन की गोद में है कहीं बाहर नहीं है। जो भी भोजन पदार्थ है वो इस भूमि से तुम्हें मिलते हैं कोई चीज बाहर से नहीं मिलती। इसलिए ये माँ हमारी पालनहार है। एक दूसरी माँ वो जिसने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखकर तुम्हें जन्म दिया एक सुंदर रूप दिया अपने ख्यालों से और आपके अंदर अच्छे संस्कार दिए और जिसने मुझे बाबा फकीर के चरणों में भेजा क्या कहा मैंने वो है दूसरी माता और कोई नहीं। अब तुम पैर जमीन पर रखा हुआ फिर बच्चे मिलते हैं फिर बहुएं मिलती हैं तुम्हारी पत्नी मिलती होगी उनके लिए भी अच्छे विचार करते बात समझ गए। जो बुजुर्ग हैं वो तो भाग्यशाली हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरी बहुएं जब मुझे मिलती हैं वो तो जरूर मत्था टेकती हैं तो मैं पढ़ुआ फिर कितना उन्होंने सिर के हाथ में रखूँगा ना तो मैं प्यार से उनको आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा परिवार तुम सफल रहो तुम्हारे सुख मिले शांति मिले तुम्हारे गर्म कोई गर्म हवा ना रहे समझ गए। फिर तुम रोटी खाने बैठे अब रोटी तुमने कमाई कैसी कमाई की मुझे नहीं पता एक बात बता देता हूँ अगर तुम्हारी रोटी को हक हलाल की नहीं है ना तुम वहाँ उसको खाते समय भगवान को याद नहीं कर सकते गारंटी देते। अगर वो हक हलाल की कमाई है तुम बैठोगे तो मालिक का शुक्र करोगे तुमने मुझे रोटी दी खाने को पेट भरने को दिया तेरा शुक्र है क्या कहा मैंने तब भी उसको याद कर लो। जब खाना खा लिया तो फिर भी उसका शुक्र कर लो कि मैंने आपने भोजन दिया मेरी तंदुरुस्ती बनी रहे मेरा शरीर ठीक रहे मेरा मन निर्मल रहे। मन में क्या रहे दया रहे मन में क्या रहे प्रेम रहे मन में क्या रहे सद्भावना रहे ये मन में दे दो बाकी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगे। अच्छी चीज डालोगे मन खाली हो जाएगा बुरी दोगे वो पर्दा जाएगा ये बड़ा टेस्टी है बात समझ गए। तुम किसी की बुराई सुनोगे बुराई सुनो तुम्हें बड़ा आनंद आएगा बहुत मैं देखा है लोगों को आनंद आते और अगर सत्संग सुनना है तो नींद आ जाती है सत्संग में तुम्हें नींद आएगी तुम्हारा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं। फिर तुमने काम पर जाना है जो भी तुम्हें काम करते हो उसको भगवान का काम समझो बालक का काम समझो तुम्हें उसने दिया है तो फिर तुम क्या करोगे तुम उसमें गड़बड़ नहीं करोगे क्योंकि वो मालक का काम है। तुम कैसे उसमें से कोताही करोगे जब है ही मालक का काम दुकानदार का मालिक बैठा है और तोड़ने वाला तोड़ रहा है मालिक वहाँ बैठा है तो तोड़ने वाला कभी गलती करेगा नहीं करेगा ना क्योंकि पता मालिक बैठा है चित्र मारेगा बोलेगा
तो ऐसे ही तुम काम करते हो तो मालिक को हाजिर नाजिर में काम करो, तुम्हारी तुम्हारी तरक्की होती जाएगी, तुम्हें उन्नति मिलती जाएगी। मान लो ये बात मैं आपको कहता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह में भी वृद्धि होती जाएगी और अपनी कमाई से कुछ थोड़ा सा हिस्सा। वैसे तो महापुरुषों ने कहा 10% महंगाई का जमाना है, मैं तो 10% किसी को नहीं कहता, मैं कहता हूँ 100 में से 1 रुपया रख लिया करो और कभी किसी गरीब की मदद कर दी, किसी पढ़ने वाले की मदद कर दी, किसी दुखिए की मदद कर दी, किसी बीमार की मदद कर दी, तुम्हें वो आशीर्वाद देगा। ओ भगवान नहीं आशीर्वाद देता किसी को ना, ये मान लो मेरी बात कि तुम भगवान को प्रार्थना करते हो वो तुम्हारी सुनेगा नहीं सुनेगा, उसने कानून बना दिया है, भगवान का कानून है। जे हा बीजे सो लूने करना संद्राखे, जो तुम बीज बोगे तुम्हें उसका ही फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। मुझे एक दिन बात क्या हुई, मैं अपना मोबाइल देख रहा था तो मोबाइल पर मैंने देखा कि दलाई लामा जो तिब्बत के गुरु हैं वो बैठे हैं, फॉरन में बैठे हैं। उनको किसी ने सवाल किया, किसी विद बड़े एजुकेटेड ने, कि हिज होलीनेस, हमें अंग्रेजी में कहा, मैं तो आपको हिंदी में बता रहा हूँ, अगर हम कोई पाप कर लें कोई बुरा कर्म कर लें तो हम भगवान को प्रार्थना करें कि हमें माफ़ कर दो तो वो माफ़ कर देगा, वो माफ़ कर देगा। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं मेरा कोई बुद्ध धर्म को मानने वाला कोई मॉन्क कोई साधु कोई पाप करे और वो महात्मा बुद्ध को प्रार्थना करे कि महाराज मेरे से गलती हो गई, तो वो कहेंगे गलती तुमने की है, फल भी तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हारे दखल नहीं दे सकता। ऐसे जीसस क्राइस्ट भी तुम्हारे कोई कर्म नहीं लेगा। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मेरे दादा बाबा फकीर जी महाराज ने 1981 में सितंबर के दिन मानवता मंदिर में आखिरी पत्र लिखा, वो ध्यान से सुनो क्या लिखा उन्होंने। उन्होंने लिखा कि इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, तो घंटा लेके राम नाम के पीछे पड़े हुए, कोई कोई नाम जपता है, कोई नाम जपता है, कोई नाम जपता है। माता कहती मुझे नाम दे दो मुझे नाम दे दो मुझे, इंसान तू नाम जप चाहे ना जप, दो काम कर ले, अपना कर्म ठीक कर ले और अपनी नीयत ठीक कर ले। अगर नीयत ठीक है तो कर्म भी ठीक होगा, अगर नीयत ठीक नहीं तो कर्म भी ठीक नहीं होगा। मेरी बात समझे, तुम जहां मर्जी प्रार्थना करो तुम्हारी प्रार्थना एक एक प्रार्थना काम करती है, दूसरी नहीं। एक प्रार्थना वो क्या, सबका भला मांगो, वो प्रार्थना ठीक है। सबके लिए खुश सुखी सुख मांगो, वो प्रार्थना ठीक है। सबके लिए प्रॉस्पेरिटी मांगो, सबको मालिक धन दे, सबको मालिक इज्जत दे, सबको मालिक अच्छी सेहत दे, ये प्रार्थना ठीक है। तुम अगर अपने लिए मांगोगे तो तुम्हें तो वही मिलेगा जो तुमने बोया हुआ है। क्या कहा मैंने तुम्हें साबित कर दिया, अपने जीवन से साबित कर दिया, अपने अंतःकरण से साबित कर दिया कि अगर मैं अंदर में कुछ नहीं कर सकता तो बाहर मेरी कौन सी हस्ती है जो कुछ करे। बाहर जिसने अंदर किया वो बाहर भी मेरा है। क्या कहा मैंने, जो मेरा अंदर का प्रबंध कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, अटल विश्वास हो गया कि वो बाहर भी मेरा है और हर वक्त मेरा है, हर समय मेरा है, हर जगह मेरा है, हर वाणी में मेरा है, खाने में मेरा है, पीने में मेरा है, देखने में मेरा है, सुनने में मेरा है, बोलने में मेरा है, और मैं इससे ज्यादा क्या कहूं।
दादा का शब्द सुना दो, टाइम काफी हो गया। चलिए बोलिए प्रेम से। राधा स्वामी स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। भरोसा दया आपने जो आज मेरे पास चैनल था।
तो कितने पैसे? 6,000 महीने दे। तो मैंने तो पूछ लेना सी, तो मैं कि इसी च पैदा होने पशु नहीं तू कहते नहीं मेरे महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता। चलो वहाँ बैठ का जी चाय वाय पी, 4:30-4 बजे मैं कहा चल टाइम हो गया काफ़ी, 6 बज गए हैं और डॉक्टर साहब का क्लिनिक 5 बजे हो जाता है, 6:15 को भी चाय पीते हैं। तो जब मैं वहाँ होता हूँ जब तक महंगा हूँ तो वो चाय नहीं पीते, तो वहाँ हम चले गए। जब गए तो चाय आ गई तो डॉक्टर साहब की वाइफ कहती है महाराज जी मैंने आज अपने हाथों से बेसन बनाया आपके लिए। डॉक्टर साहब कहते वो डेर दे महाराज जी नहीं खाते बेसन बुसन, कहती नहीं एक 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 तो खाने पड़ेगा। चलो मैंने खा लिया, चाय भी पी ली, तो चाय तो उसके घर में पी थी। बात आई चली गई, मैं अपने कमरे में आ गया तो वो डॉक्टर साहब भी बाजार चले गए, अश्विनी भी बाजार चले गए कुछ लेने के लिए, तो मेरे पेट में गैस पैदा हो गई और गैस भी इतनी ज्यादा कि मेरे दर्द बहुत ज्यादा उठे और मैं ऐसे आए ना कैसे। उनकी पत्नी थी वो कहती महाराज जी गर्म बॉटल लाओ, उसने गर्म बॉटल भी रख दी। मैंने बेटी को टेलीफोन किया या बेटी मेरी बहू, मैं क्या बेटा मुझे बता मुझे गैस हो गया है मैं कौन सा कैप्सूल खाऊं, तो बेटी ने मुझे बता दिया। मैंने कैप्सूल भी मंगवा लिया, अश्विनी को कह के चल दिया ये कैप्सूल ले गया, वो कैप्सूल भी खा लिया कोई फर्क नहीं। डॉक्टर साहब खड़े हैं, उनकी पत्नी खड़ी है, अश्विनी खड़ा है और मैं बिस्तर पर ऐसे हूँ बहुत हाय नहीं कह सकता, हाय नहीं कह सकता। तो फिर मैंने अंदर से बाहर आई कि दवाइयाँ नहीं ठीक होना उतना नहीं हो सकता, तो मैं एक जज्बे में आया, एक जज्बे में आया, जज्बा जानते हो ना, जज्बे में आया और ऐसे हाथ छोड़ा प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। और जब हाथ यहाँ से जहाँ गए और वापस आए तब मेरी गैस खत्म हो गया। क्या हुआ क्या हुआ, डोरी किसके हाथ में चली गई? ये है जीने का राज, ये है जीने का राज। मेरी गलती खाने की मेरी थी लेकिन मैं माफ हो गया। खाने को ठीक रखो, अपने खाने पर कंट्रोल रखो। ये बाहर की खाने चीज़ें ये जो आ गई है ना, हम जब छोटे थे 2 मिठाइयाँ होती थी, एक लड्डू होते थे कि जलेबी बस या बेसन, आज तुम जाओ मिठाई की दुकान पर वैसे लाइन लगी हुई है ऐसे। वो सभी बीमारियाँ हैं, इसलिए हिंदुस्तान में कितने हॉस्पिटल बन गए और बनेंगे। अब पिज़्ज़ा आ गया, अब बर्गर आ गया, अब चाउ माउ आ गया, पता नहीं क्या आ गया, तो तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे पास नौजवान आते हैं जो ये खाते हैं, तो उनके माँ बाप को कहता हूँ तुम्हारे घर में रोटी नहीं बनती, ये क्या हाल है इस बच्चे का, तुम डॉक्टर बने हुए एक धुंध से आया था डॉक्टर, क्या कह रहा हूँ मैं, कंट्रोल योर डाइट, थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, सत्संग में जा तेरे भले की कहूँ, गुरु बड़ाई देख ना देख तेरे भले के कौन, स्वामी जी महाराज की बाणी। चलो ये तो कभी फिर होगा, ये शब्द सारा सुन लो, फिर तुमने खाना भी खाना है। खुली आँख से सत्संग में बैठ कर भी तुम्हारा कहीं ना कहीं मन बाहर जा रहा है, तुम सत्संग में नहीं हो, तुम कहीं बाहर हो, वो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। सत्संग में तो ठहर जाओ, आंखों को रोक लो, दिमाग को रोक लो और बात के ऊपर ध्यान रखो, बात पर ध्यान रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कहते दाता दयाल जी कि तेरे दर्शन को पाते हुए मेरा मन को सराय चला गया,
केवल यही मेरी बात होती थी। और इंदिरा जी महाराज मैं वहाँ बैठा करता था, जो मिलकर बैठा वहाँ रिकॉर्डिंग भी करता था, मेरे पास अपना रिकॉर्डिंग था, बात समझे गए। तो नजर हजूर पर होती थी, बाकी पर नहीं करता था मैं, बाकी भी बोलते थे सज्जन, मेरे मुरा साहब भी बोलते थे, आनंद राव जी बोलते थे, एक सज्जन हरनाम सिंह जी को भी बोला करते थे, और संत तारा चंद जी भी महाराज यहाँ आए हैं तीन चार पर। लेकिन मेरा एक ही इश्क था और नहीं दूसरा नहीं, एक से बांध ली थी मैंने और वही प्यारा था मेरा। बाकी मैं सबकी इज्जत करता था, सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा इष्ट केवल एक है और वो है बाबा फकीर। और अब वो क्या है, अब वो क्या है, अब वो कहाँ है, अब वो कहाँ है, वो भी सुन लो। दाता दयाल ने, परमदयाल जी महाराज ने लिखा उर्दू में 1959 में, उर्दू में लिखा वो मेरे पास है। सच्चे दिल से, सभी सुनो, सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, सच्चे दिल से, अंदर से, बाहर से नहीं, मन से नहीं, सच्चे दिल से दुआ। दिल कहाँ है, देख ये दिल है, ये दिल नहीं है, ये तो धड़कन हमारे शरीर को चलाने वाला है। दिल वो है जहां मन नहीं है। और नई बात बता देता हूं, जो असली दिल है तुम्हारा जहां मन नहीं है वो है, तो वहां से जो आवाज निकलती है वो कभी गलत नहीं हो सकती। सच्चे दिल से दुआ देता है ये कि खुश रहो, बासेहत रहो और अभी तीन चीजें दे, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। फिर क्या कहा, तुम क्या करो, दिल में रहे, तुम्हारे दिल में, मन में नहीं, तुम्हारे दिल में रहे एक आस और विश्वास, एक आस और विश्वास, तुम्हारे अंदर है हर वक्त जाते होगी। इससे परे संत क्या कहे, तुम्हारे अंदर है हर वक्त जाते फकीर। वो कौन है, वो तुम हो, वो तुम्हारी वो शुद्ध है जो जहाँ बैठी है, जो शब्द रूप है, जो प्रकाश रूप है, वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो बाहर कहीं भी नहीं है। यही दाता है। अब जल्दी जल्दी पढ़ो, न जोगी न साधु न ज्ञानी बनाम है, न जोगी न बता रहा हूं कि मैं कौन हूं। आगे बढ़ो, न जागा न सोया न सुसुप्ति में आया, नया सा निराशा के भय में सताया, न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न माता हूँ ना पिता हूँ ना बेटा हूँ, ना मैं सोता हूँ ना जागता हूँ, ना सुष्पति हूँ ना मैं बैठता हूँ ना मैं दौड़ता हूँ। वो क्या है, दौड़ने वाले तुम्हारा शरीर है, बेटा कौन बनता है, मन, मन ही है ना। मैं और क्या कहूँ, जब तक मेरे माता पिता थे तो मैं उनका बेटा था ना, जब मैं पिताजी माता जी चले गए तो मैं किसका बेटा रहा, किसी का भी, बेटापन खत्म हो गया ना। और सुन रहे हो, मेरी पत्नी, मेरी 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 घरवाली जिंदा जब तक थी तो मैं पति था ना, और जब वो चली गई तो किसका पति किसका पति रह गया, किसी का भी नहीं।
पतो पकड़ो बात को, ये रिश्ते सारे मन के हैं, सुरत का कोई रिश्ता नहीं है। वो कहाँ रहती है? तुम्हारे यहाँ रहती है वो, लेकिन तुम वहाँ जाते नहीं हो। तुम भी गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी रहा हूँ अभी, लेकिन तुम गृहस्थ को सुखमय बनाना है ना, गृहस्थ को पहले सुखमय बनाओ। जिसका घर ही नहीं बना, जिसकी दुनिया ही नहीं बनी, जिसके खाने को रोटी ही नहीं, जिसके घर में प्रेम ही नहीं, जिसके बच्चे कहने नहीं, वो नाम क्या जपेगा? वो नहीं जप सकता। जो 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 पूर्ण संपन्न है, जिसकी रोटी का कोई चिंता नहीं, जिसके घर में प्रेम है, जिसके घर में एकता है, वही आदमी नाम जप सकता है, दूसरा नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने घर को संपन्न बनाओ। वो कैसे बनेगा? जो भी ना जिसको भी तुम मानते हो, तुम्हें मैं नुक्ता दे देता हूँ, करना तुमने, जिसको भी तुम मानते हो उसको इंसान मत मानो, उसको माल के कुल मानो, उसका रूप अपने मन में रखो जहाँ, और उसका एक नाम रख लो, उस नाम से उसको याद करो और उसकी मूर्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम्हारे दुनिया के काम सब अपने आप होते जाएंगे एक बार। लेकिन अगर आपका मन गंदा है, अगर आपके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, शत्रुता है, कीना है, चुगली निंदा करने की आदत है, वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए पहले क्या करो, स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज ने लिखा है, क्या नाम था, तुलसीदास साहब जी महाराज, मुझे दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको उठाने के लिए। पहले दुनिया को निकालो अपने मन से, अपने आप में आ जाओ और फिर देखो तुम्हारी दुनिया कैसे निकाल। मैं गारंटी देता हूँ, ध्यान करो, सिमरन करो और सबका भला चाहो, सबका भला चाहो, तुम्हारा भी भला होगा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं ज़्यादा कहानियाँ नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हें नक्शल में इंजेक्शन दे रहा हूँ। संभाल लो बात को, पकड़ो बात को, उस पर चलो, तो फिर क्या होगा, तुम शरीर मन और आत्मा से ऊपर चले जाओगे। जो ऊपर है सुरत रूप में, जो तुम्हारा रूप है, वो माल के कुल की अंश है। अब और बात कह देता हूँ, ये जो सारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है, चला रही है ना। सूरज अपने टाइम पर चलता है, टाइम पर रहता है, बारिश होती है, हवाएं आती है, कोई प्रबंध करने वाला है ना। इस ब्रह्मांड का कोई ना कोई हस्ती इस ब्रह्मांड को चलाने वाली है, जिसको तुम पता नहीं क्या नाम देते हो, भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, खुदा कहते हो, कोई ना कोई तो कहते हो ना, लेकिन उसका रूप कोई नहीं, वो सर्वव्यापक है। अगर इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है, तो जो शास्त्र कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे पिंड बिन शरीर, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो शरीर में भी है, तो जो ब्रह्मांड को चला रहा है उसकी कोई ना कोई ताकत तो इसको भी तो चला रही है ना। जब ये कहा, जो शास्त्र कहते हैं ब्रह्मांड में सोई पिंड पिंड में, अगर ब्रह्मांड को कोई चीज चला रही है, तो तुम्हारे इस पिंड को भी, ये छोटा ब्रह्मांड है जिसमें सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी है, नदियां हैं, पहाड़ सब कुछ है यहाँ, ये गंगा है, ये यमुना है, ये सूरज है, ये चांद है, मेरी बात समझ रहे हो, लंबी बात हो जाएगी, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तो वो भी तुम्हारे अंदर है। एक बार अब कहते हैं कि मैं तो बड़ा साइंटिफिकली चलता हूँ, विज्ञान के नाम कहते हैं भगवान ने हमें अपने रूप में बनाया, तो हम ऐसे कहते हैं भगवान का तो रूप भी कोई नहीं है, हमने बनाया रूप, किसी ने कोई रूप बना लिया, किसी ने कोई रूप बनाता, किसी ने कोई रूप बनाता, और मंदिर बना लिए या तो वो चीज बनाते हैं ना। तो जब कहा गया कि भगवान का कोई रूप नहीं है
और दूसरी तरफ हम कहते हैं भगवान ने हमें अपने रूप में बनाया, तो तुम्हारे अंदर भगवान का रूप फिर क्या होगा? तुम्हारे अंदर वो रूप है और उसका भी कोई रूप नहीं है, उसका भी कोई रंग नहीं है, जो तुम हो, तुम्हारे रूप का, जो तुम असली हो, उसका भी कोई रूप नहीं है, उसका भी कोई रंग नहीं है, उसकी माता जी जरा बैठ जाओ, सत्संग चल रहा है, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, फिर बात करना, नहीं बैठ, उसका भी रूप नहीं है, तो वो है कहाँ? तुम्हारे अंदर कहाँ? जब शरीर को सुन में ले जाओगे, मन को महासुन में ले जाओगे, और फिर महासुन से आगे प्रकाश में जाओगे, उसके आगे उसके देश है, उसका देश उसके आगे है। स्वामी जी ने कहा, पिंड ब्रह्मांड से पार, पिंड अंड ब्रह्मांड से पारा, वो है देश हमारा। ये पिंड है, ये अंड है, ये ब्रह्मांड है, और हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, ये भूरे रंग का है या मन है, ये भूरे रंग का ये मन है, ये ऊपर वाला हिस्सा सफेद रंग का है, जहाँ हमारी आत्मा हमारा सेल्फ रहता है, जो मैं हूँ वास्तव में, जिसका कोई रूप नहीं है। ये रूप तो कुदरत ने बनाया, कुदरत का बना हुआ है, जो माँ ने खाया, जो माँ ने देखा, जो माँ ने पिया, जो अच्छे खाए, अच्छा फल खाया, अच्छी शक्ल देखी, तो मेरा रूप ये बन गया। बात समझ गए? अमेरिका में एक केस हुआ बहुत बड़ा, बाबा जी महाराज ने बताया, केस क्या हुआ कि एक अंग्रेज के घर एक काले रंग का लड़का पैदा हो गया, अंग्रेज के घर में एक काले रंग का लड़का पैदा हो गया, और उसके पति ने तो अपनी पत्नी पर शक कर दिया, फिर हैं मेरी शक्ल थे, मेरी शक्ल देख के आ, ये बच्चा कहाँ से ले लिया तूने, तूने तुम्हें से धोखा किया है, तूने फ्रॉड किया है, उसने केस कर दिया, डाइवोर्स का केस कर दिया। और उसने कहा, महाराज मैं कहीं नहीं गई, तुम ही मेरे पति हो और तुम तुम्हारा ही ये बेटा है। अब जज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, फैसला कैसे करे, ब्लड भी देख लिया चेक करके, ब्लड भी सेम निकला, तो जज ने कहा अच्छा मैं आपके घर जाना चाहता हूँ। वो जज बहुत इम्पोर्ट बहुत इंटेलिजेंट है, वो घर गया, कहता मैं आपका बेडरूम देखना चाहता हूँ, तो उनके बेडरूम में गया, जब बेडरूम में देखा तो उसके बेडरूम में सराहने के सामने, जहाँ सराहना है उसके सामने काले हफ्शी की फोटो लगी हुई है, काले हफ्शी की फोटो लगी हुई है। कोई होगा, हो सकता है वो एक्टर हो सकता है वो कोई पहलवान हो काले रंग का, तो उसने जब देखा वो ये तो बात गड़बड़ यहाँ है, ये सुबह जब उठती थी इसको देखती थी, इसका अक्स इसके दिमाग में लड़के पर पड़ा है, बात बड़ी समझ गए। तो हमारा रूप माता से बना, माता के देखने से बना, माता के सुनने से बना, पति बात समझ गए। और मन क्या है? मन तो ख्यालों की पोथली है, मन वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक तुमने देखा हुआ है, वहाँ से आगे मन नहीं जा सकता। तो मन को तो समझो क्या है, कुछ भी नहीं। और फिर हमारी आत्मा है वो प्रकाश रूप है, आप सब प्रकाश रूप हैं, इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह संत महाराज ने लिख दिया, एक पिता एक इसके हम बालक, तुम्हारा पिता सबका एक है और वो प्रकाश है, पार ब्रह्म है, उसको पार ब्रह्म कहते हैं, हमारे अंदर जो है वो ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है, वो बड़ा है। और ऐसे इसके आगे एक हस्ती है, एक हस्ती है, वो वहाँ पर एक शब्द होता है और वो शब्द ऊपर से आता है, वो न मन का शब्द है, वो न शरीर का शब्द है, और न वो आत्मा का शब्द है, आत्मा का शब्द है वीणा, और उसका शब्द एक अजीब है, उसको कहते हैं सात शब्द, कभी सब लिखा है, उसको केवल हमारी श्रुति सुन सकती है और कोई नहीं सुन सकता, इसलिए उसका नाम रखा है सुरत शब्द योग, सुरत शब्द योग, सुरत को शब्द के साथ मिलाना, और फिर क्या होगा,
फिर क्या होगा अंत में? जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुर्त समाने शब्द में ताको का न खाए। वहाँ मौत नहीं है, वहाँ मौत हो ही नहीं सकती। शरीर की मौत हो सकती है, मन की मौत हो सकती है, आत्मा की भी मौत हो सकती है, लेकिन उसकी मौत नहीं हो सकती। वो अजर है और अमर है, इसको खत्म कर देना। नहीं ब्रह्म माया कहे बंद मुझी को, न उर्धा सका कर्म का हमारी सुर्त कर्म नहीं करती, ना तुम्हारी बुद्धि कर्म करती है, तुम्हारा मन काम काम करता है। मन और बुद्धि, ये काल और माया काम करती है, और दो नहीं। आप तो निर्णय में पड़े। सहज रूप है और सहज कर्म वाणी, सहज रूप है और सहज कर्म वाणी, सहज में सहज चले जाते हो। फिर क्या होता है? आप अलग हो जाते हैं, तुम्हें देखा नहीं जा सकता, तुम्हें जांचा नहीं जा सकता कितने कहां तक फैले हुए हो। अलग हूँ, अगम हूँ, अनाम भी बना हूँ, वहाँ नाम भी खत्म हो जाता है। ये दुनिया का नाम जो है ना, ये रखा हुआ मेरे माता ने रखा, वो मेरे मरने के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नाम जो गुरु ने दिया है तो वो वहाँ है, उसमें मैं जज्ब हो जाऊंगा, उसी में जज्ब हो जाऊंगा। तो फिर किसका जन्म और किसका मरण? वो है अंतिम चेत। मेरी बात समझ गए? लेकिन तुम लोगों को वो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए दुनिया। दुनिया का भी तुम्हें राज मैंने बता दिया, और वहाँ जाने का भी राज तुम्हें थोड़ा सा इशारा कर दिया। अपने आप को आप पहचानो, कहा किसी का नेक न मानो, अपने आप को खुद पहचानो। और ये कोप होता है, बड़ा कोप जो है ना, क्रिश्चियन का बड़ा कोच कोप, उसने भी लिख दिया, अलेक्जेंडर कोप ने लिखा, नो देन थाई सेल्फ प्रज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। तुम अपने आप को आप जानो कि तुम कौन हो, ये ख्याल मत करो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा लेगा। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज मैन, इंसान की स्टडी इंसान कर सकता है, इंसान के दुख को इंसान जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तुम कौन हो वास्तव में? तुम अलख हो, तुम अगम हो। क्यों? वो मालिक भी अलख है, वो भी अगम है, उसका भी नाम नहीं है, और तुम्हारी सुर्त जो तुम हो वास्तव में उसका भी कोई नाम नहीं है। बात बड़ी समझ गए? शब्द प्रकट तब धरिया नाम, जब बच्चा रोजा खोलता है तो कोई लड़का है, फिर उसका नाम रखते हैं। लड़की रोती है तो उसकी आवाज़ और होती है, लड़की आ गई, लड़की आ गई, ठीक है, उसका नाम फिर और हो जाता है। शब्द फुरुक्त तब रहा अनाम, जब वो शब्द यहाँ जो बन रहा है, चल रहा है, इस वक्त चल रहा है, वो गुप्त हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? वो अनाम ही हो जाता है, उसका कोई नाम नहीं। वो है, लेकिन क्या है उसको कहने की किसी की जबान में ताकत नहीं है। वो महसूस किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, और वो अनुभव संत सतगुरु वक्त के समय में बैठकर, उनकी संगत में बैठकर, उनकी वचनों से प्राप्त हो सकता है। और यही दाता दयाल जी ने आखिर में कह दिया,
कभी कहीं मूर्तियों सोने की बना दी तुम लोगों ने, सोने की मूर्ति तुम्हें क्या देगी, क्योंकि तुम्हारे पास धन हका लाल का नहीं है। सोना वही बनाएगा जिसके पास हका लाल का है, नहीं है। हका लाल की कमाई से तो रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, क्या कहा मैंने। इसलिए मेरी माताओं से बेनती है, तुम घर को स्वर्ग बना सकती हो, तुम हो जो घर को नर्क बना सकती हो, तुम हो जो इस देश को नेक बच्चे दे सकती हो। गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने कहा है, जननी जने तो भक्त जन, जाफे जन्मे सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे कहे को आए कहे को आए तो या तो नेक भक्त पैदा करो या फिर बहादुर पैदा करो। अब तो कोई बात बनी है, ये क्या है, तुमने ऐसे बच्चे दो मेरे देश को जो माँ की सेवा करें, ऐसी बेटियां पैदा करो जो सास की सेवा करें, उसको माँ मान लें, उनको कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ, आजकल जो लड़कियां नौकरी करती है ना, नौकरी वो नौकरी करने वाली तो तुम्हारे नाक में दम कर रही है, तो मैं तो फिर उनको कहा करता हूँ लड़कों को, बच्चा कर सुन, वो भी 3,000 कमानी, तू भी 3,000 कमान, वो अगर आटा गूंदी तो तू गैस तैयार कर, तू भांडे मार के, मेरी बात समझ गई, उसके साथ मिल के काम करता तेरी गड्डी ठीक चलेगी, ये तू कहीं वही रोटी बनाए वही भांडे साफ करे वही तेरे कपड़े धोए फिर नहीं चलने। और सुना दोनों ने जो जिनकी शादी हुई है, औरत भी कमाती है मर्द भी कमाता है, वो शेयर करे, मेरे पास ऐसे मेरे दोस्त मित्र हैं जिनका स्वर्ग है, लड़की 1.5 लाख लेती है, पति 2 लाख लेता है, लेकिन घर में बड़ा ही प्रेम है और उनके बच्चे बहुत लाएंगे। और हम क्या करते हैं, तुम नाम नहीं जप सकते, चाहे किसी भगवान से ले आओ नाम, किसी गुरु से ले आओ, जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं है, जब तक तुम्हारे घर में प्रेम नहीं है, जब तक तुम्हारे घर में एकता नहीं है, तुम्हारे तुम गरीब तुम अमीरी से गरीबी में आ जाओगे, एक नहीं दिन दूसरे दिन आ जाओगे, बंटवारे हो जाएंगे तुम्हारे भाइयों में, झगड़े होंगे। ऐसा करो, प्रेम से रहो। और मैं क्या कहूँ, मैं दर्द दिल से बोल रहा हूँ, बहनों के लिए भी और नौजवानों के लिए, नौजवान जो उनके लिए एक बात कह देता हूँ, नौजवानों के लिए उर्दू में एक शेर है, खुद ही को गल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे के रजा तेरी क्या है, तेरी क्या रजा है। अपने आप को इतना डिसिप्लिन में ले आओ, अपने आप को ऐसे कंट्रोल में ले आओ, अपने ग्रंथ को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें कहीं से झुकाने की जरूरत ना पड़े, क्या कहा मैंने, तुम कामयाब हो जाओगे। देख तरफ को तुम अपनी ताकत को जाया करते हो और फिर दौड़े हुए डॉक्टरों के पास या फिर ज्योतिषियों के पास या फिर किसी मंदिर में जाकर मत्था टेकते हो और या फिर चालीसा पढ़ते हो, क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। नो देन डाई शैल प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, अपने आप को जानो, तुम्हारी दुनिया अपने आप बनती जाएगी, क्योंकि तुम उसका अंग बन गए, मैं उसका अंग हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने बहुत कुछ कह दिया, मेरा बहुत बहुत प्यार भरा, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक दिल से प्रेम से कहता हूँ, सुखी रहो, आनंद में रहो, अपने दिल की चिंताएं, अपने मन की चिंताएं मुझे दे जाओ, मैं इस के नीचे रख लूँगा, इसके नीचे यहाँ रख लूँगा और जाती गठी पट के ले जाऊँगा और पहाड़ में नीचे फेंक दूंगा, तुम्हारे पास चिंता नहीं आएगी, और क्या करूँ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।